हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ वर्डप्रेस में मेन्यू कैसे सेटिंग करते हैं। तो मैंने भी बहुत लेट सीखा और बहुत सारे सिस्टम्स आप सेट कर सकते हो, कहीं भी आप सेट कर सकते हो, 3-4 जगह सेट कर सकते हो उसको। तो ये सेटिंग के बारे में जो बिगिनर है उसको बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो उसको बारे में आज मैं जो मेन्यू की वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आपको कोई मेन्यू की सेटिंग करने के लिए कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे मेन्यू सेटिंग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं डेस्कटॉप की स्क्रीन में आ गया। तो आप लोगों को मेन्यू कैसे सेटिंग करते हैं मैं बताऊंगा। पहले मैं दिखाता हूँ, एक मेन मेन्यू होता है जो ऊपर लगाता है, टॉप मेन्यू बोलते हैं। फिर एक हमारा सेकंड वाला मेन्यू है, आप मेन्यू कैटेगरी में भी लगा सकते हो, जो साइड बार में भी लगा सकते हो, आप फुटर में भी लगा सकते हो। तो पहले आपको ये है, मेन्यू आप किस हिसाब से लगाना चाहते हो, या आपने ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, सैंपल वेब, या ऐसे डेमो वेबसाइट है, और यह आपका ब्लॉग, बाकी ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह आप लगा सकते हो। तो सारी चीज़ कैसे होगा मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले आपको 2-3 मेन्यू क्रिएट करना है। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको डैशबोर्ड में अपीयरेंस में जाना है, और जाना है आपको मेन्यू में, न्यू 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 टैब में खोल लेना है। खोलने के बाद आपको ये मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ मैंने एक ऑलरेडी मेन मेनू क्रिएट करके रखा, तो आपको मेनू क्रिएट करना है। तो मेनू आप यह मेन मेनू क्रिएट कर सकते हो, प्राइमरी मेनू क्रिएट, यह क्रिएट ए प्राइमरी मेनू। तो मैंने एक मेनू क्रिएट करके दिखाता हूँ, यह क्रिएट ऑप्शन जो दिखा रहे हैं इसमें मैं एक क्रिएट करता हूँ एक प्राइमरी मेनू। तो इसमें मैंने एक पहले एक प्राइमरी मेनू क्रिएट करेंगे, एक फुटर मेनू क्रिएट करेंगे। तो प्राइमरी मेनू क्रिएट करेंगे, फिर फुटर मेनू में आप दूसरा भी दे सकते हो। तो प्राइमरी मेनू, प्राइमरी मेनू इसको हम क्रिएट करेंगे प्राइमरी मेनू, और इसको क्या क्या आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अभी ये बन गया प्राइमरी मेनू। अभी इसमें आप क्या क्या डाल सकते हो, यहाँ आप पोस्ट डाल सकते हो, पोस्ट तो डालता नहीं कोई, तो इसमें आप कैटेगरी डाल सकते हो। अब यह अन कैटेगरीज है, आप इसको कैटेगरी आप जितने बार जितने बनाओगे कैटेगरी, देखते हो मेरे इसमें कैटेगरी क्या क्या है, इसमें कैटेगरी एक ही है। तो मैंने कोई कैटेगरी बनाई है, डेमो वेबसाइट है इसीलिए, तो इसमें आप कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है मैं बता देता हूँ। पहले तो आप जाओ पेज में, पेज में आप क्या क्या पेज ऐड कर सकते हो। प्राइमरी मेन्यू में मैंने प्राइवेसी पॉलिसी, ब्लॉग और डिस्क्लेमर को ऐड कर दिया, और कॉन्टैक्ट को भी ऐड कर दिया। इसमें ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन में क्या है, ड्रॉप डाउन में सिर्फ आपको कोई भी ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मेनू को सिर्फ या थोड़ा बहुत हटाना है, तो ये सब मेनू सब आइटम बन जाएगा। तो मैं इसको एक बार दिखा दिया, आप आराम से इसको बना सकते हो। ठीक है, अब इसको सेटिंग है, प्राइमरी मेनू, प्राइमरी मेनू करंटली सेट ऑन मेन मेनू, टॉप मेनू, सोशल मेनू। ठीक है, इसमें मैंने क्या करता हूँ, प्राइमरी मेनू में प्राइमरी मेनू यहाँ सेट कर देता हूँ, या ऐड टॉप लेवल पेज ऑन द मेनू। ठीक है, मैं यहाँ इसमें क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कहाँ कहाँ सेट हो रहा है। अभी मैं जाऊँगा इसमें मेरा मेन वेबसाइट में, अभी देखो डिस्क्लेमर, ब्लॉग और प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट, ये प्राइमरी मेनू है। और ये जो टॉप मेनू है मैंने अलग से बनाया, तो इसको टॉप मेनू कौन सा है, यहाँ आपने इसमें टॉप मेनू जो ये प्राइमरी मेन मेन्यू है इसको आप ऊपर भी सेट कर सकते हो। सेटिंग सेटिंग का सारे ऑप्शन इधर से है, आप कहीं भी इसको सेट कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया मेन्यू, आप क्रिएट कर क्रिएट कैसे कर सकते हो मैं बता दिया। और इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिर्फ इसको सिर्फ इसको इतना सा हटाना है और ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैंने ये प्राइमरी मेन्यू में इसको थोड़ा हटा दिया, इसको भी थोड़ा हटा दिया, तो सिर्फ दिखाने के लिए इसको सेव करता हूँ, और दोबारा मैं चेंज कर दूंगा इसको, दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। तो फिर इसको मैं रिफ्रेश जैसे करूँगा, तो देखो डिस्क्लेमर के नीचे ब्लॉग और प्राइवेसी पॉलिसी दो ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। ऐसे आप अपने हिसाब से कैटेगरी को चेंज करके करके आप कैटेगरी जितने बनाओगे उसके हिसाब से आप प्राइम मेनू बटन बना सकते हो। तो मैंने दोबारा इसको चेंज कर देता हूँ, क्यों मैं उसको ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ इसको हटाना है और सेव करना है, सेव मेनू। तो ये हो गया। अभी पूछोगे जी मेरे को साइड बार में भी मेनू लगाना है और फुटर में भी मेनू लगाना है, इसको लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो आप एक आपका थीम कैसा है उसी हिसाब से आपको ऊपर और ये जो मेन मेनू टॉप मेनू दोनों लगा लिया। अभी फुटर में कैसे मेनू लगाओगे, फुटर में मेनू लगाने के लिए आपको जाना है विजिट के, विजिट ऑप्शन पर जाना पड़ेगा।
विजिट ऑप्शन में जाना है, आपको ये फुटर ऑप्शन दिखेगा, हर थीम का फुटर ऑप्शन होता है। इसमें जो फुटर ऑप्शन में इसमें आपको विजिट ऐड करना है, तो मैंने इसको नेविगेशन मेन्यू को यहाँ ऐड करता हूँ, फुटर टू में कर देता हूँ। और इसमें हम टाइटल नहीं देंगे, सिर्फ इसको मेन्यू सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मेन मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं, देखते क्या होता है। और इसको इसको सेव कर दिया। अभी मैंने जाऊँगा मेन साइट पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये मेन्यू आ गया। तो आप फुटर में कितना यहाँ मेन्यू लगा सकते हो, बहुत कुछ लगा सकते हो। पहले मैं मेन्यू की बात कर रहा हूँ, तो मेन्यू के बारे में बात करेंगे। तो विजिट ऑप्शन में अपने फुटर टू में लगाया, टू में लगाया तो मेन्यू ऑप्शन ही है। अब फुटर थ्री थ्री लगाओगे, फोर थ्री है, इसमें टू और थ्री है, तो दो मेन्यू लगा सकते हो। उसके बाद फुटर में और भी बहुत कुछ लगा सकते हो, फुटर में आप मेन्यू के बाद कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो, बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। तो इसमें से फुटर में आपको यहाँ से नेविगेशन कोई भी इमेज लगा सकते हो, पेज लगा सकते हो, रिसेंट पोस्ट लगा सकते हो, इसमें से वो ड्रॉप डाउन करके यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ में पेजेस वगैरह सेट करता हूँ, तो इसमें आपको सिर्फ पेज को उठा के नेविगेशन मेनू का नीचे डालना है, और इसमें आप पेज टाइटल सेव करना, डन करना है, और इसमें देखो आ जाएगा ये फुटर ऑप्शन में। देखते हैं पेज क्या क्या आ रहा है, ये देखो पेज आ गया, तो ये नीचे आ गया उसकी। तो इसमें मेरे को एक ही जगह नहीं बनाना है, मतलब जैसे फुटर वो टू है, फुटर थ्री में सेट करना है। तो मैं दोबारा जाता हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा के फुटर थ्री में कर देता हूँ। जैसे फुटर थ्री में करोगे और इसको सेव नहीं करने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। फिर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये पेज थ्री आ गया। तो इसमें पेज भी आ गया, तो इसमें मेन्यू सेव हो गया, पेज आ गया, आप इमेज लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। अभी बताओ कि साइड बार में कैसे मेन्यू लगाते हैं। साइड बार में मेन्यू लगाने के लिए आपको विजिट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें साइड बार देखो, शॉप साइड बार, सिंगल साइड बार, इसमें कैटेगरी है, रिसेंट पोस्ट है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस पर जो मेनू नेविगेशन मेनू, इसके उठा के आपको कैटेगरी के ऊपर नीचे जहाँ भी मर्जी लगा सकते हो। अभी सिलेक्ट, आपने जो मेनू क्रिएट किया उस मेनू का आपको कुछ नाम देना है, और इसमें से कौन से मेनू लगाना है, मैंने प्राइमरी मेनू को लगाना है, और इसको सेव करना है। जैसे सेव करोगे, डन करोगे, और इसको आप फिर दोबारा जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद आपको देखो साइड बार में मेनू आ गया। तो मैंने क्या बताया, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, आप टॉप मेनू, प्राइमरी मेनू दोनों सेटिंग करना आ गया। इसको क्रिएट मेनू कहाँ का ऑप्शन, ड्रॉप डाउन भी मैंने सिखा दिया। और दूसरे बात, आप फुटर में भी लगा सकते हो, उसको कैसे लगाना, विजिट ऑप्शन में जाके। दूसरा बार आप साइड बार में भी लगा सकते हो। तो मेनू के जितने सारे प्रॉब्लम्स, अगर किसी के बंदे का प्रॉब्लम है, मेनू मैंने कहाँ सेट करना पड़ेगा, अब कैसे सेट करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन मेनू है, कैटेगरी को कैसे सेट करना पड़ेगा, मैं बता दिया। किसी का प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करना, मैं ज़रूर उसको हेल्प करूँगा। और मेनू के बारे में आप इसके बारे में लगता है नहीं और कोई शिकायत व प्रॉब्लम आ सकता है, अब मेनू आराम से सेटिंग कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेनू अपने हिसाब से दो तीन मेनू क्रिएट कर सकते हो, आप अलग अलग तीन चार मेनू क्रिएट कर सकते हो। टॉपर मेनू अपने हिसाब से रख सकते हो, मेन मेनू रख सकते हो, साइड बार में मेनू अलग रख सकते हो, कैटेगरी के हिसाब से रख सकते हो, और फुटर में भी अपने हिसाब से रख सकते हो। फुटर में भी पेज वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। किसी बंदे को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।